हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए काफी यूनिक सी डॉग ब्रीड लेकर आया हूं, जो कि काफी गोलू मोलू से होते हैं और जिनके ईयर्स जो है ना वो काफी बड़े होते हैं। जी गाइस, मैं बात करने जा रहा हूं फ्रेंच बुलडॉग के बारे में, जो कि स्मॉलर साइज की डॉग ब्रीड है। एंड आज जो पपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना, ये मार्ले ब्लड लाइंस है, जो कि आप लोग इनके फादर को देखकर जज कर पाओगे। वैसे पपीज जो है ना, ये काफी अच्छी क्वालिटी में है, एंड साथ में आप लोगों को इनमें मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। एंड पपीज का जो प्राइस है ना, वो कलर के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलेगा। सो इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने से पहले, ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट, जिसमें से फर्स्ट है शेखर गोवाना, सेकंड है पीडब्ल्यू का भगत, एंड थर्ड है विवान। तो गाइस, फ्रेंच बुलडॉग को फ्रेंची के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग स्मॉल साइज के अपार्टमेंट्स में रहते हो, या फिर आप लोग एक छोटी सी डॉग ब्रीड चाहिए अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी फैमिलीज के लिए, जो कि काफी प्लेफुल हो, तो आप लोग इस ब्रीड को कंसीडर कर सकते हो। ये काफी प्लेफुल होते हैं, एंड भाई इनका जो वजन होता है ना, वो 8 से 12 किलो तक होता है, और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो है 10 से 12 सालों तक। लेकिन ये थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये उस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के पपीज की लाइफस्टाइल क्या है, आप लोग अपने पपीज को डाइट में क्या देते हैं और कितना वर्कआउट कराते हैं, कितने एक्सरसाइज कराते हैं। फ्रेंच बुलडॉग काफी अलर्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छे गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आते, बट फैमिलीज के लिए ये एक बेहतरीन डॉग ब्रीड है। एंड गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इन पपीज की मदर है। भाई इसकी क्वालिटी देखिए, फीमेल बहुत अच्छी क्वालिटी में, काफी हैवी बोन भी है। लेकिन मजा तो आप लोगों को इन पपीज के फादर को देखकर आने वाला है, क्योंकि भाई फादर तो अल्टीमेट क्वालिटी में है। तो गाइस, स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड आप लोग चाहे कोई भी परचेज कर लो, उसमें आप लोगों को फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि भाई आप लोगों का जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, वो काफी कम होता है, क्योंकि स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड की इतनी डाइट नहीं होती, तो आप लोगों का काफी खर्चा बच जाता है। लेकिन भाई जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, वो तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोगों को इनकी प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, तो वो आप लोग ओनर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि भाई ओनर जो है ना, वो आप लोगों को एक सॉलिड क्वालिटी तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चल के वो कैसे बनेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की डाइट के ऊपर। तो हमेशा आप लोग अगर एक अच्छी क्वालिटी का पपी परचेज करे हो, तो उन्हें एक प्रीमियम क्वालिटी का फूड भी दे। सो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पपीज के फादर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है इन पपीज के फादर। यार कितनी तगड़ी क्वालिटी में और कितने यूनिक कलर में। लेकिन गाइस, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि किसी भी पपी को परचेज करने से पहले पेरेंट्स के बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर ले। वैसे हाँ, ओनर का ये कहना है कि ये जो पपीज के फादर हैं, ये डायरेक्ट यूक्रेन इम्पोर्ट हैं। तो गाइस, पपीज जो ना, ये 47 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है साकेत, दिल्ली एनसीआर से। डिलीवरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी, डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हो, सभी ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं। और अगर आप लोग वीडियो कॉल पर देखना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग कभी भी डॉग ओनर को वीडियो कॉल करके इन पपीज को देख सकते हैं, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, इनमें जो आप लोग फाउन कलर के पपीज देख रहे हैं, ये मेल पपीज हैं। ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड किया है, उनमें से एक पपी की है 20,000 पीस 20,000 रुपए, और सेकंड पपी की है 18,000 पीस यानी 18,000 रुपए, और जो ये ब्लैक कलर की फीमेल है, इसका जो प्राइस है वो है 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। बाकी कॉन्टेक्ट करके प्राइस आप लोग कम करा सकते हैं, क्योंकि प्राइस नेगोशिएबल। और वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।